हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है करीबन 23 तारीख से, तब से मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के कि सर मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मैं EBC से हूँ, मैं UR से हूँ, या फिर मैं BC से हूँ, या फिर मैं फीमेल्स हूँ, UR से हूँ, तो मैं इसके लिए फॉर्म डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। इसी प्रकार से और भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, बट आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शेयर इसलिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हर एक चीज को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कमेंट भी देख लीजिए, क्योंकि मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पाया। यहाँ पे मनीष यादव बोलते हैं SC वाले भी नहीं कर सकते क्या, भर सकते हैं क्या? और यहाँ पे नेक्स्ट और कमेंट आया है मनीष कुमार का, यहाँ पे SC फीमेल फॉर्म नहीं भर सकते, प्लीज रिप्लाई। एंड इसके बाद MP वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? इसी प्रकार से बहुत से कमेंट देखने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स थोड़े और कमेंट, वैसे यहाँ पर क्या रेणुका कुमारी जी ये बोल रहे हैं, सर जनरल की महिलाएं नहीं पढ़ाई कर सकती क्या? तो दोस्तों पढ़ाई करना और ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन से नहीं होता। आप यदि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आपको स्टडी तो कंटिन्यू करनी होगी। आपकी वैकेंसी का आपको ये नहीं करना कि इसमें पढ़ाई करना है इसमें नहीं करना। आप लगे रहें, आपकी स्टडी करते रहें और टारगेट बना लें, आपका एम डिसाइड कर लें कि मेरे को जे वाली जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपको जॉब अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका, ए OBC का नहीं है क्या सर? तो यहाँ पर OBC का वो आपका बता दिया मैंने, यह सिर्फ और सिर्फ ST लेडी के लिए है, मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए है। ओके, आपको यहाँ पर और बता दें फिर धोखा होगा रिजल्ट में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आपके यहाँ पर ऐसा चलता है और कोई एक्शन नहीं लेता, इसी वजह से ये सब होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप ST के अलावा और भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्यों यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल सकते, उसका रीजन जान लीजिए। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा जी सिर्फ और सिर्फ ओनली आपकी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए यहाँ पर नियुक्ति निकाली गई है। अब अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए नियुक्ति निकालने का कारण, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिहार में एक एक्ट आया था आपका, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से यहाँ पर जो एक्ट लाया गया था, यहाँ पे बने थे कि यहाँ पर जो बिहार की ST कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए स्पेशली यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों उसी के तहत आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आउट किया जाता है और आपकी भर्ती आती है, इस कारण बस इसमें ना तो कोई अदर कैटेगरी की महिलाएं ना ही पुरुष भाग ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी की महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। ST कैटेगरी के पुरुष भी चाहे तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मेन रीजन यही है। इसलिए यह स्पेशली आपकी ST कैटेगरी की लेडी के लिए है ओनली। ओके फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि ये सर सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी की लेडी ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट यदि आप ST कैटेगरी की फीमेल हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, जरा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको आना होगा क्या CSVC की ऑफिशियल साइट पे। जहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे क्या, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, यहाँ पे स्वाभिमान बटालियन, इसके तहत आप लोगों की वैकेंसी है और आप लोगों के फॉर्म डालते हैं। आपको यहाँ पर आके क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर विंडो शो हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड सेकेंडली आपको यहाँ पर क्या फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एंड थर्ड आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखने से पहले आप अपने एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से रीड कर लें, कोई भी मिस्टेक ना करें। यदि आपकी एक भी गलती होती है तो पहली बात तो आपका पैसा चला जाएगा, दूसरी बात आपको फिर फॉर्म डालने के लिए यहाँ पर मौका नहीं देते वो, है ना। आपका कोई भी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है,
इसलिए यदि आपसे नहीं आता तो आप बिल्कुल ना भरें, दूसरे से ही भरवाएं, ऑनलाइन जाके भरवाएं। और यदि आप चाहते हैं कि सर आप मेरा फॉर्म डाल दीजिए तो मैं भी भर सकता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। ओके, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन लेके आपका फॉर्म भर दूंगा। तो आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए हम करते हैं क्लिक। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे समक्ष यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस से मतलब कि निर्देश है उनकी विंडो शो हो गई। आपको वन बाय वन करके हर एक निर्देश को भली भांति पढ़ लेना है। जैसे आप इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आके क्या, आपको लास्ट में आके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, बट आपको इससे पहले सारे के सारे निर्देश पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, उसी के बाद इस पर क्लिक करना है। ओके, चलिए हम करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन ही मांग रहा है। आपको यहाँ पर भली भांति हर एक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, और वो भी आपको बता दूं आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है उससे हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी मैच होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपका पूरा नाम हो, चाहे फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी वहां पर जो दी है 10th की मार्कशीट में वही यहाँ पर आपको डालनी है। आपको एप्लीकेशन फुल नेम, इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, एप्लीकेंट फुल नेम है, सिलेक्ट एप्लीकेंट, नेशनलिटी डालना है, इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, एंड इसके बाद आपको डोमेसियल है, होम गार्ड है, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करनी है, एंड इसके साथ साथ आपको जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको फिलअप कर देनी है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट प्रोसेस, आप सेकंड भी देख सकते हैं। आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि आपको जो रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंड इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो कॉन्टेक्ट या मोबाइल नंबर है वो डालना है, कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए ये तो हुआ आपका क्या सेकेंड फेज। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका थर्ड स्टेप, आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस मतलब कि आपका जो फॉर्म डाला है आप उसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इसके साथ साथ आपको कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, इसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपको कैप्चा फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। और यदि आपको लगता है कि मुझसे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट हो रही है तो आप यहाँ पर बैक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ आपके क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर मतलब कि आप कैसे कैसे डालेंगे, हर एक इन्फॉर्मेशन भली भांति डालेंगे। फ्रेंड्स अभी तक करीबन 10 से 15 जो गर्ल्स हैं मेरे से करा चुकी हैं। यदि आप चाहते हैं कि हाँ मेरा भी कर दीजिए सर, तो आप जाइएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करके हर एक इन्फॉर्मेशन आपके ऐड करके आपका फॉर्म डाल दूंगा, आप इसका टेंशन ना लें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों की जो क्लासेस हैं कंटिन्यू होने वाली हैं आपके नेक्स्ट चैनल पर, मतलब कि इस पर आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी। आपकी क्लासेस हैं क्या रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, आपके स्टडी हेल्प। जी हाँ दोस्तों, एक और न्यू चैनल है स्टडी हेल्प करके, आपको जाना है नीचे, वहां पर उसकी लिंक दी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आपकी जल्द से जल्द वहां पर क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, बट इतना तो कहने को है आप लोगों का वहां पर कट ऑफ भी हाई जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तैयारी करनी होगी, आपका जो कट ऑफ है फिजिकल के बेसिस पर निकाला जाएगा, बट फिर भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए स्टडी करनी होगी। तो दोस्तों आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी के लिए, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टडी हेल्प करके या फिर हमारा न्यू चैनल करके, वहां पर आपको लाइन दिख रही होगी उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं कि सर इसका क्या है कैसा है, तो बेझिझक पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर से जरूर देते हैं। तब तक ले लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा। और हाँ एक चीज और, जो कैंडिडेट RTI लगवाए थे उन लोगों का RTI यदि नहीं आ रहा है, ज्यादा लॉन्ग टाइम हो रहा है, तो दोस्तों आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ओके, सेकंड अपील, थर्ड अपील, दो दो आप लोगों के पास चांसेस रहते हैं। यदि आपको लगता है आपके 15 दिन से ज्यादा होने को आ रहे हैं तो सेकंड अपील कर दीजिए।
यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो थर्ड अपील कर दीजिए। ओके, अब आपका और उनके बीच का ही काम था, मैंने आपका जो आरटीआई था वो सबमिट बाकायदा कर ही दिया है। और फ्रेंड्स, यदि आप में से भी कोई चाहता है कि सर मेरे को भी अपने बिहार कांस्टेबल के मार्क्स देखना है कितने आए हैं, मेरे को भी जानना है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आखिरकार किस रीजन बस मेरा सिलेक्शन रुक गया है, मेरे को इस चीज का पता चाहिए या करवाना है, तो दोस्तों इसके लिए एक और एकमात्र उपाय है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से अपनी हर एक जानकारी ले सकते हैं, चाहे फिर वो एग्जाम रिलेटेड हो या फिर कोई अदर। तो इसके लिए आपको आरटीआई करना रहता है, जो कि आप चाहते हैं कि मैं कर दूं, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, आप जाइएगा वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए, आपका आरटीआई फिल कर दिया जाएगा। ओके ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।